जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं अर्ज़ पाकिस्तान न्यूज़ कराची। नाज़रीन, एक स्कूल में मौजूद हैं हम जो कुरंगी ढाई नंबर पे वाक़े है, बिल्कुल LRBT का जो हॉस्पिटल है उसकी आप बिल्कुल सामने वाली गली में जब आते हैं तो एक छोटा सा पार्क आता है और उस पार्क के बिल्कुल साथ ही ये अलमिस्बा स्कूल के स्कूलिंग सिस्टम के नाम से स्कूल जो है वो नया खोला गया है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत स्कूल इस एरिए के हिसाब से बनाया गया, मुझे बहुत पसंद आया है स्कूल और हमारे देखने वालों को भी बहुत पसंद आएगा। अच्छा मैडम, राबिया की जो है बड़ी कोशिश और काविशें होती हैं, एक इनका कैंपस कुरंगी पाँच नंबर पर भी है और इन्होंने दूसरा जो है वो यहाँ पर स्टार्ट लिया, इनका हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और मालूम करते हैं कि जो नए एडमिशन होंगे उनके लिए क्या सहूलतें रखी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मैडम राबिया अलमिस्बा स्कूलिंग सिस्टम एंड पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की प्रेसिडेंट हूँ, वेमेन विंग। ऐसा है कि मेरा ये कैंपस 2 लॉन्च हुआ है, आज उसका ओपन हाउस है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है विद द हैंड्स ऑफ सर परवेज हारून एंड चेयरमैन साहब अनवर अली भट्टी एंड को चेयरमैन हमारे सर मोहम्मद अनवर, इनके मुबारक हाथों से आज मेरे ही स्कूल की सेरेमनी है और मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में। इसके अलावा आज पैकेज मैंने ये दिया है कि हम कोर्स और यूनिफॉर्म एडमिशन फीस पे फ्री दे रहे हैं। अच्छा रवि मैडम, एक बात मैं आपको बताऊं, काफ़ी अंदर की तरफ आता है ये स्कूल, इंशाल्लाह हमारे चैनल की तवज्जो से लोग देखेंगे और आप इसे रब्ता भी करेंगे स्कूल के लिए। क्या सोच के ये इस जगह पे इतना खूबसूरत से जो है अपने स्कूल बनाया है? एक्चुअली मैंने ये जब सराउंडिंग सर्च की तो यहाँ मुझे 2 स्कूल नज़र आए और बहुत पुराने थे। लोग इनोवेशन चाहते हैं, एजुकेशन अब वो नहीं है कि कॉपी पेस्ट करवा दिया जाए, एजुकेशन है प्रेजेंटेशन, आपने जो पढ़ा है वो आपके अंदर है या नहीं है, आपका बच्चा वो बता सकता है या नहीं है, तो एजुकेशन स्किल्स डेवलपमेंट है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इस एरिया में ये अप्रोच की बिल्डिंग, ताकि इस एरिया में स्कूल्स की बहुत डिमांड है और यहाँ स्कूल्स नहीं है, यहाँ ऑलरेडी 3 स्कूल्स हैं और लोगों ने घरों में छोटे छोटे से स्कूल्स 2 कमरों वाले खोले हुए हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये इस बिल्डिंग को अप्रोच किया कि यहाँ पे आएंगे लोग। पार्क फेसिंग है तो डेफिनेटली आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल हकीकत बात है, पार्क फेसिंग है क्योंकि बिल्कुल सामने ही पार्क है, पार्क के बिल्कुल सामने जो है स्कूल है, तो हमारे देखने वाले जो नाज़रीन हैं जो हमें देखेंगे वो अपने बच्चों का अगर बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो इस स्कूल से वाबस्ता हूँ और एडमिशन अभी जारी है तो मैडम राबिया को कॉल करें, हम इनका नंबर स्क्रीन पे चलाएंगे और मेरी बड़ी कोशिश होगी कि आप अपने बच्चों का एडमिशन जो है वो यहाँ कराएं और बहुत सारी सहूलतें भी हैं और फिर अच्छा एक प्ले एरिया भी बनाया है इन्होंने, तो जो छोटे बच्चे हैं जो प्रेप के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए बड़ी सहूलत है। तो थैंक यू, अपने मेज़बान को दें इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आजकल के दौर में जो हालात हैं, मैं जब इन्होंने मुझे कहा कि हम नए कैंपस का इफ्तिताह कर रहे हैं तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग अब सरमाया लगाते नहीं है और ये इस इलाके में अपना सरमाया लगाकर इस इलाके की खिदमत करना एक बहुत बड़ा जज्बा है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इस स्कूल को कामयाब करे और ये पलता फूलता नजर आए और जो अज़्म लेकर मिस राबिया निकली है इस स्कूल को बनाने के लिए, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। एक बात जरूर कहूँगा, यहाँ इतने ज्यादा लोग नहीं बैठे, हमारी अपनी फैमिली बैठी हुई है कि कोरंगी में अगर वुमेन विंग में मिस राबिया ने जो काम किया उसका मैं थोड़ा एप्रिसिएशन जरूर दूंगा कि हमारे पूरे कराची में अगर वुमेन विंग सबसे अच्छा काम कर रही है तो कोरंगी, बेहतरीन काम, नज़्म व ज़ब्त, हर वक्त एक्टिव रहना और हर जगह पर इनका आना पूरी टीम का बल्कि, तो ये हमारी पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एक पिलर है वुमेन विंग कोरंगी का जो कि हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा कि कोरंगी को देख कर हमारे कडाब में भी वुमेन विंग कल बना है, उन्होंने अलग दिया, फिर हैदराबाद में, फिर अब शायद टंडो मोहम्मद खान में भी बनने जा रहा है, तो मुझे लगता है राबिया ये आपकी काविशों का सारा नतीजा है। हमारा जब अब अवार्ड सेरेमनी हो रही है कोरंगी की,
मैं सिफारिश करूंगा कि राबिया के लिए अलग से शील्ड बनाई जाए वुमेन विंग के हवाले से, जिनकी बेहतरीन कारकर्दगी है, जिसमें हम रक्षिंदा को भी सिफारिश करेंगे। और फिर दूसरी अहम बात कि ये जो मियां बीवी खड़े हैं ना, मैं इनको दिलीप कुमार और सायरा बानो का लकब देता हूँ, कि ये माशाल्लाह जोड़ी जो है बड़ी जबरदस्त व्यक्ति है और हर जगह ये काम करते हुए नजर आते हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने बड़ा जबरदस्त स्टेप उठाया है और यकीनन और हमारे मेहमानों को शीर से नवाजी है। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, वो दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। ऐ माओं की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे, वतन उनके लहू में।